अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूं। चूंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में हैं और उनके सवाल और जवाब के सेशन चल रहे हैं, तो एक खातून आकर अपने हुकूक के मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक सवाल करती है। बड़ा अहम सवाल के सारे मजमे के कान खड़े हो गए। तो आपसे गुजारिश है ये सवाल और जवाब सुनिए, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिए। हाउस वाइफ हूँ और मेरा सवाल ये है कि एक औरत तकरीबन 30-32 साल किसी एक आदमी के साथ ज़िंदगी बसर करती है, उसके साथ वो छोटे से छोटी चीज़ को महसूस करती है, घर बनाती है, सब करती है, और उसके बाद अगर वो शोहर छोड़ कर किसी और औरत की तरफ इन्वॉल्व होता है, तो क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए कि उसको बंद गली में छोड़ने के बजाय, उसके बच्चों को ज़हनी मरीज़ बनाने के बजाय उसको भी सर की छत दी जाए? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर औरत दूसरी मर्द के तरफ जाना चाहे और वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, जबकि मर्द उससे बच्चे भी छीनना चाहता है, उसे बदनाम भी करना चाहता है और कोर्ट कचहरी के धक्के भी खिलवाना चाहता है। जबकि मैं खुद देखती हूँ कि कोर्ट कचहरी में ऐसी खवातीन का ढेर लगा हुआ है जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जो अपने माँ बाप के जी शुक्रिया जी थैंक यू। इनका सवाल था कि एक औरत अपने शोहर के साथ रहती है 32 साल और बच्चों की देखभाल करती है, फिर कुछ साल बाद वो छोड़ के दूसरे से बीवी से शादी करता है, तो उसका फ़र्ज़ नहीं होता है कि वो बच्चों को देखे? ये तो इस्लाम में हक है कि अगर तलाक हो जाता है, तलाक क्यों उसके ऊपर फैसले करता हूँ, किसी गलती बीवी की गलती थी या शोहर की गलती थी? बीवी बोलेगी शोहर की गलती है, शोहर बोलेगी बीवी की गलती। कभी मिला ही नहीं जिसने बोला मेरी गलती है, कुछ लोग मिलते बहुत कम लोग। तो जब तलाक होता है तो हर कोई दूसरे को कोसता है। लेकिन आपने कहा कि बच्चे छूट जाते, बच्चों को देखभाल करता नहीं, इस्लाम के अंदर तलाक के बाद भी बच्चों को देखभाल करने का फ़र्ज़ है शोहर का, जब तक वो बच्चे बालिग नहीं बनते। ये बेसिक रूलिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर माँ बच्चे का देखभाल करती है तो शोहर को अपनी बीवी को, जो पुरानी बीवी थी, उसको महीने का खर्चा देना चाहिए बच्चों की देखभाल करने के लिए। ये कॉमन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए आपको लीगल सिस्टम इस्लाम में इसमें पूरी इसकी पूरी तफसील है। अगर यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, ये आप मलेशिया में जाइए, माशाल्लाह मलेशिया में शरिया कोर्ट है। इसलिए 15 ममालिक से जब मुझे ऑफर आया था, पहले तो मैं घूमने आता था, तकरीर करता था, पता ही नहीं, तहकीक की पूरी। मलेशिया में भरे 63% मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ का कानून, इस्लाम में कानून माशाल्लाह, फेडरल कोर्ट भी है, इस्लामिक कोर्ट भी है। तो ऐसे मामला वहाँ का सोल्यूशन एकदम माशाल्लाह, एकदम जस्ट है। तो यहाँ भी अगर इस्लाम में सब कानून बने हुए, क्या होना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए, खर्चा सब है, ये इस्लाम में है, नहीं इस्लाम में यहाँ नहीं, तो मैं तो अभी जो यहाँ नहीं, तो मेरी गलती है, तो मेरी गलती है। मेरा ख्याल है कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसके अंदर अगर औरत के साथ इस तरह का कोई मामला आता है, जो उसमें बहुत लॉन्ग टाइम बाद अगर मर्द उसके साथ, इस्लाम में कानून बेन सर की छत दे, इस्लाम में औरत को दे बेन, इस्लाम में कानून है। अभी पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो मेरी गलती क्या? बराबर ना? आपको मलेशिया में आके रहने का तो मैं इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह, इसीलिए मैं मलेशिया चुना। इसीलिए भाई साहब ने जब पूछे तो मैं बोला जिस दिन मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिस दिन पाकिस्तान, मैंने कहता था मलेशिया में 100% इस्लामिक कानून है। दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं जिसमें 100% इस्लामिक कानून है। इसमें कम है, किसमें ज़्यादा है, किसमें इकोनॉमिक्स है, किसमें ये है, मुख्तलिफ है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मलेशिया का जो मयार है, ओवरऑल इज बेस्ट इन द फुल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरी तहकीक है। इसीलिए इज्जत करने के बाद माशाल्लाह मैं वहाँ गया। तो आपको क्या करना चाहिए, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े उलमा हैं, आलिम हैं, तो कहना चाहिए, होना चाहिए शरिया कोटियाँ वहाँ। तो नॉन मुस्लिम होने के बावजूद 37% नॉन मुस्लिम है, फिर भी माशाल्लाह इस्लाम की हिफाजत हाई लेवल पे माशाल्लाह। तो आपको जो यहाँ के उलमा हैं उनसे बात करना चाहिए, आप समझे ना,
उनसे बात करना चाहिए। इस्लाम में माशाल्लाह इस्लाम हैज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम में सारे मुश्किलात की हल है, वो प्रॉब्लम है हम उस पर अमल नहीं करते। सर मर्दों को इस बात की इजाज़त दी गई है कुरान में कि चार शादियां कर सकता है, वो ऐसी खुशफहमी में मुब्तला है कि मुझे इजाज़त मिली हुई है। वो औरत के साथ हर तरह का मजालिम ढालने को तैयार है, उसका हक मारने को तैयार है, और उसके हक के लिए ना यहाँ कानून कुछ करता है ना कोई लॉ बनाता है, बस औरत जूतियाँ रगड़ती है कोर्ट कचहरी में या फिर वो अपने माँ बाप के घर में जाके उनको जहनी मरीज़ बनाती है, या बस इस तरह का मामला है कि मैं चाहती हूँ कि अगर गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब और आप मिलके कोई एक ऐसा कानून बना दे जिसमें मर्द कभी औरत की फिर हक तलफी ना कर सके, क्योंकि कुरान को तो लोगों ने पसे पुश्त रख दिया है, कोई नहीं सुनना चाहता औरत की फरियाद को कि औरत कहाँ जाके खड़ी हो जाती है जब अपने छोटे या जवान बच्चों को लेकर के। तो ये मैं आपसे गुजारिश करती हूं, ये बोलना कोई नहीं सुनना चाहता है मेरे हिसाब से जरा जास्ती है। गवर्नर साहब सुनते, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ ना, कर कुछ नहीं सकता हूँ अलग बात है, ये बोलना कोई भी नहीं सुन सकता हो, ये कोई भी अक्सर लोग नहीं सुनते, बोलो मैं मानूंगा, कोई भी नहीं बोलना जरा, ठीक है कि नहीं? तो अगर मर्द जास्ती कर रहे आप भी मत कीजिए, आप समझे ना। तो इसके लिए लेकिन आपको उन लोगों को अप्रोच करना चाहिए, माशाल्लाह गवर्नर साहब है और बाकी उलमा है, अप्रोच करके आपको इसका हल निकालना चाहिए। इस्लाम में सब कानून है माशाल्लाह, इस्लाम में कानून है जी। और गवर्नर साहब से मिलने की ख्वाहिश भी रखती हूँ, मगर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जी? गवर्नर साहब से मिलना थोड़ा सा आसान काम नहीं है। तो माशाल्लाह गवर्नर सब लोग के साथ में बैठे इतने घंटे, माशाल्लाह इससे अच्छा गवर्नर तो देखा ही नहीं मैंने, जितना मैं चार दिन में देखा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह देखो वो गेट नहीं खोले तो मैंने उनसे कंप्लेन किया, तो गेट के ऊपर जाके और खुद जाके खोले, खुद खोले। मुझे यहां तकरीर करने की परमिशन नहीं मिली थी, पता आपको? पाकिस्तान में मुझे तकरीर करने की परमिशन नहीं दे रहे थे वो। गवर्नर साहब आए, अल्लाह उनको जजाए खैर दे, खुल के बोल रहा हूं मैं, चाहते थे कि मैं 2000 की मजमे में ज्यादा दूं नहीं, 1000-2000 की बात है ना, इंडिया में 10 लाख, पाकिस्तान में 2000, अभी तो कुछ मुकाबला है 50,000-60,000 तो 80,000 है माशाल्लाह, कुछ तो लगता है ना, कुछ तो नाक रह गई, ये सब ना कि मुझे चाहते थे, लेकिन आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स सही है। तो आपको सही इंसान के पास जाके इल्तिजा करना चाहिए, और इंशाल्लाह आपके जो मर्द हजरात भी है जो है इंशाल्लाह वो भी आपकी मदद करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो भी मुश्किलात इस पाकिस्तान में हैं अल्लाह उसे हल करे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के भाइयों और बहनों कुरान पे अमल करें, समझ के पढ़े भी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान और पूरी दुनिया में शरीयत इंशाल्लाह हाफिज़ हो। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, आपने सुना है उस खातून ने जो सवाल किया, डॉक्टर साहब ने तफसील से जवाब दे दिया कि भाई ये तो अगर कानून नहीं बन रहा, जो कानून जिसका आप मुतालबा कर रही हैं, तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस्लामी जमहूरिया होने के नाते वो इस्लामी कवानीन भी नाफिज करे। वो कहते हैं कि पूरे दुनिया में जितने इस्लामी ममालिक हैं सबसे ज़्यादा जहाँ इस्लामी अहकाम का नफाज है तो वो है मलेशिया, 63%, 63% वहाँ पर इस्लामी लोग हैं और इस्लामी अहकाम लागू हैं, वहाँ पर इस्लाम की पाबंदी होती है, तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। और लोग पाकिस्तान वाले जो रहने वाले हैं, अवाम भी अपनी हुकूमत का तआवुन करे, और हुकूमत भी खुसूसन गवर्नर साहब जो सिंध के बैठे हुए हैं साथ ही, वो भी जो है वो अवाम का तआवुन करें और इस्लामी ला बनाया जाए, कानून बनाए जाए, ताकि किसी इंसान की कोई हक तलफी ना की जाए, ताकि किसी के कुछ हक को पामाल ना किया जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये आज की हमारी वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।